हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, फॉर विच यू रिक्वायर ओनली फ्यू बेसिक होम इंग्रेडिएंट्स। ये मैंगो आइसक्रीम बनाना बहुत ही इजी है एंड इसका टेस्ट इतना कमाल का है दैट यू डेफिनेटली गोना लव इट। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक मैंगो का पल्प जो कि वेट में अप्रॉक्स 300 ग्राम है। मैंगो पल्प को हम एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने लिया है 2/3 कप फ्रेश मिल्क क्रीम यानी कि मलाई। मलाई को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप हल्का गरम मिल्क। ध्यान रहे हमें मिल्क को बस हल्का सा ही गरम करना है। मिल्क एंड क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अपने मिक्सिंग जार में ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह पर आलमंड यानी कि बादाम का पाउडर, कैश्यू यानी कि काजू का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। हमारा मिक्सचर आइसक्रीम बनाने के लिए रेडी है। अब हम इसे आइसक्रीम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ग्लासेस लिए हैं। अगर आपके पास स्मॉल साइज ग्लासेस नहीं हैं, तो आप इस तरह से एक पेपर कप का भी यूज कर सकते हैं। बाकी बची आइसक्रीम को मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। आइसक्रीम ट्रांसफर करने के बाद इस तरह से इवन कर लेंगे। एक सिल्वर फॉइल की हेल्प से सभी मोल्ड को कवर कर लेंगे। इसको कवर करने से आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। सिल्वर फॉइल को हम एक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। अब हम नाइफ से बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे। और कट में एक आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर देंगे। इससे हमारी आइसक्रीम कुल्फी स्टाइल बनेगी। बची हुई आइसक्रीम को भी हम फॉइल से कवर कर लेंगे। अब हमें इसे 6-7 आवर्स डीप फ्रीज करना है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी डीप फ्रीज कर सकते हैं। हमारी आइसक्रीम को डीप फ्रीज करे 7 आवर्स हो चुके हैं। आइए इसे अब चेक करते हैं। आइसक्रीम एकदम परफेक्टली बन चुकी है। कुल्फी स्टाइल आइसक्रीम को डीमोल्ड करने के लिए हम इसे हाथ से इस तरीके से रब कर लेंगे ताकि ये इजीली डीमोल्ड हो जाए। आप चाहें तो इसे पानी में भी रख सकते हैं। देखिए आइसक्रीम कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सभी आइसक्रीम्स को डीमोल्ड कर लेंगे। लास्ट में आप आइसक्रीम को पिस्ताशियो या फिर टूटी फ्रूटी से गार्निश कर सकते हैं। आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनी है और देखने में भी बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।